मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कंज्यूमर गुड्स क्या होता है और कैपिटल गुड्स क्या होता है और इन दोनों में क्या डिफरेंस है। इससे पहले मैं पार्ट वन ऑलरेडी बना चुका हूँ, उसमें मैंने आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, फाइनल गुड्स क्या होता है, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है, वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। अगर आपने अभी तक वो वाला पार्ट नहीं देखा तो प्लीज वो वाला पार्ट देख लीजिए। आज के पार्ट में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है रवि शेब और आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स की 95+ सीरीज। तो बच्चों लोग, जैसा कि आज का टॉपिक है, आज हम डिस्कस करेंगे कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स के बारे में। आगे जाने से पहले और आगे कराने से पहले ऑलरेडी मैं बता दूं आपको कि मैंने आपको बताया था कि जो गुड्स है वो चार तरह के होते हैं। गुड्स कितने तरह के होते हैं? चार तरह के। चार तरह में मैंने गुड्स में सबसे पहले बताया था कि आपका जो पहला गुड्स आप ले सकते हो वो फाइनल गुड्स होता है, ठीक है, ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं मैं ये। दूसरा गुड्स मैंने आपको पढ़ाया था जो होता है वो होता है इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट गुड्स होता है, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस भी आपको समझा दिया था और लास्ट पार्ट में यही बता दिया था कि ये दोनों में कैसे पहचानेंगे कौन सा इंटरमीडिएट और कौन सा फाइनल है। नाउ आज के पढ़ने वाले हैं तीसरे टाइप का गुड्स जिसकी बात करेंगे हम, कौन सा? कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर गुड्स की बात करेंगे, ठीक है। और चौथे टाइप की हम बात करेंगे फिर कौन सा गुड्स, यहाँ पर कैपिटल गुड्स के बारे में। अच्छा, एक चीज याद ध्यान रखिएगा, जब मैं बात करूं कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स तो इसका मतलब ये नहीं कि चार तरह की कैटेगरी है कि अगर कोई कंज्यूमर गुड्स है तो फाइनल नहीं हो सकता। नहीं, हम इसको बस टाइप पढ़ रहे हैं। एक फाइनल गुड्स जो होता है वो कंज्यूमर भी हो सकता है, वो कैपिटल भी हो सकता है, बट लेकिन इनकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है उसके बिहाव पे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले आते हैं कंज्यूमर गुड्स के ऊपर कि कंज्यूमर गुड्स की डेफिनेशन क्या है और उसको समझते हैं। सबसे पहले चीज, कंज्यूमर गुड्स को समझने के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि कंज्यूमर गुड्स जितने भी होते हैं उनको हम कभी भी प्रॉफिट कमाने के लिए यूज नहीं करते। मतलब कि आपको ले लीजिए या मेरे को ले लीजिए, मेरे को मत लेना क्योंकि मैं कंज्यूमर नहीं हूं, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, तो मैं जितनी भी चीजों का यूज कर रहा हूँ पढ़ाने के लिए उनसे प्रोडक्शन कर रहा हूँ, उनसे सर्विस जनरेट कर रहा हूँ। लेकिन तुम मान लीजिए आप कॉपी से पढ़ रहे हैं, पेन से पढ़ रहे हैं या घर में कोई भी चीज है, आप एक कंज्यूमर है, तो आपके द्वारा यूज किया जाने वाला कोई भी प्रोडक्ट है वो कंज्यूमर गुड्स कहलाएगा। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर कोई भी चीज को प्रॉफिट के लिए यूज नहीं करता, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए यूज करता है। तो यहाँ पर देखो क्या बोला है, कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स गुड्स विच डायरेक्टली यूज्ड फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वॉन्ट्स, फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वॉन्ट्स एंड आर नॉट यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। समझ आया मैंने क्यों बोला कि मैं कंज्यूमर गुड्स नहीं हूं? क्योंकि मैं इस बोर्ड का प्रयोग कर रहा हूं आपको पढ़ाने के लिए, मतलब मैं एक गुड्स से सर्विस बनाने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन जो हमारा कंज्यूमर होता है वो गुड्स से गुड्स या गुड्स से सर्विस बनाने की कोशिश नहीं करता और ना ही उसे बेचना चाहता। लेकिन यहां पर मान लीजिए मैं पढ़ाकर फीस चार्ज करूंगा तो ये क्या हो गया? सर्विस हो गया। एग्जाम्पल के लिए, तुम्हारे द्वारा आइसक्रीम खाना, तुम्हारे द्वारा घर में मिल्क लाना, तुम्हारे द्वारा मतलब तुम हाउस होल्ड, तो जो भी चीज लाएगा वो क्या कहलाएगा? कंज्यूमर गुड्स कहलाएगा। और एक्सपेंडिचर ऑन कंज्यूमर गुड्स जितना भी किया जाता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं। कंज्यूमर गुड्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू फोर कैटेगरी जो हम यूज करते हैं, कंज्यूमर लोग वो चार गुड्स यूज करते हैं घर में बेसिकली। तो वो कौन कौन से, जरा ध्यान से देखो। अगर मैं कंज्यूमर गुड्स के टाइप की बात करूं, सबसे पहले होता है ऐसे गुड्स जो सालों तक चलते हैं, कई सालों तक जिनका प्रयोग में किया जाता है, सेवरल ईयर। एग्जाम्पल हमारे घर में फर्नीचर है, हमारे घर में मान लीजिए टीवी है, तो उन्हें हम कई सालों से यूज कर रहे हैं, वो हमारा कंज्यूमर गुड्स होता है। ऐसे गुड्स को बोला जाता है कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल मतलब जिनको कई सालों से यूज करते हुए आ रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए कार हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, टेलीविजन हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया। उसके अलावा दूसरा, जिनका यूज एक साल या स्लाइटली मोर देन वन ईयर, एक साल से थोड़ा ज्यादा कर सकते हैं, वन ईयर और मोर देन वन ईयर, तो ऐसे गुड्स को बोलते हैं सेमी ड्यूरेबल गुड्स। सेमी ड्यूरेबल गुड्स मतलब एक साल या उससे थोड़ा ज्यादा। तो दीज गुड्स हैव एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम यूज वन ईयर और स्लाइटली मोर वन, जिसकी थोड़ी सी उससे ज्यादा होती है। दे आर नॉट फॉर रिलेटिवली ग्रेट वैल्यू, उनकी ज्यादातर महंगी वैल्यू नहीं होती है। एग्जाम्पल के लिए कुछ क्लोथ हो गए, क्रॉकरी ऐसा सामान, बर्तन पत्थर का या कांच का जो टूट सकता है, इलेक्ट्रिसिटी जो बल्ब होते हैं वो जनरली इनकी गारंटी वारंटी एक साल की होती है, ठीक है। उसके बाद ऐसे गुड्स जो वन टाइम यूज कर सकते हैं, वन टाइम और खत्म, ऐसे गुड्स को हम बोलेंगे
नॉन ड्यूरेबल गुड्स विच इज यूज ओनली फॉर वंस, वंस का मतलब है एक बार यूज किया और खत्म, आर नोन एज नॉन ड्यूरेबल गुड्स. एग्जाम्पल के लिए ऑयल की बात कर लो, कोल्ड ड्रिंक की बात कर लो, या कोई भी चाय हो गई, वेजिटेबल हो गई, तंबाकू भी एक बार यूज किया खत्म, पर तंबाकू नहीं खाना चाहिए. कोई भी फूड हो गया, कोई भी एडिबल ऑयल हो गया, मिल्क हो गया, घर में जलने वाली गैस हो गई, ध्यान रखना जितनी एलपी जल गई वो वापस नहीं आ सकती. तो ये क्या है, नॉन ड्यूरेबल गुड्स है. और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम यूज करते हैं वो एक्चुअली गुड्स है लेकिन गुड्स नहीं है, विच मीन्स हम यूज तो करते हैं वो कंज्यूमर गुड्स है बट वो क्या है, नॉन मटेरियल है. नॉन मटेरियल मतलब जिसको छू नहीं देख सकते, फील कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इन्हें कहेंगे हम सर्विस. तो सर्विस कौन कौन सी, एग्जाम्पल सर्वेंट आपको सर्विस दे रहा है, आपने एक सर्वेंट रखा और उससे 10,000 रुपए सैलरी दे रहे हो मंथ की, तो और उससे आप सर्विस ले रहे हो, तो वो आपको सर्विस दे रहा है तो वो भी एक कंज्यूमर गुड्स कराएगा, लेकिन गुड्स ना होकर वो सर्विस है. तो टोटल कंज्यूमर गुड्स कितने टाइप का हो गया बेटा, 4. कंज्यूमर गुड्स की डेफिनेशन बता दी, कंज्यूमर गुड्स के टाइप बता दिए, पहला मैं देख नहीं रहा हूँ पीछे, ड्यूरेबल गुड्स, दूसरा सेमी ड्यूरेबल गुड्स, तीसरा नॉन ड्यूरेबल या फिर सिंगल यूज बोल सकते हो, और चौथा सर्विस हो गया. ठीक है. नाउ अब कंज्यूमर गुड्स के साथ दूसरी चीज आती है कैपिटल गुड्स. लेकिन कैपिटल गुड्स को समझाने के लिए पहले मैं आपको क्लियरिटी कर दूं, यहाँ पे तो कैपिटल गुड्स पढ़ना पड़ रहा है बट पढ़ना क्या चाहिए, पढ़ना में ये चाहिए, जरा ध्यान से देखो, जो गुड्स होते हैं, जो गुड्स होते हैं हमारे, उसे यूज करने वाले कौन लोग हैं, दो लोग हैं, कंज्यूमर है और प्रोड्यूसर है. तो ध्यान रखना जितना भी गुड्स को कंज्यूमर यूज करते हैं, कंज्यूमर और कौन यूज करता है, प्रोड्यूसर, दो ही तो यूजर है. अगर मैं गुड्स ना लिख के यहां पे क्या लिख दूं, यूजर लिख दूं, तो यूजर कौन है, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर. कंज्यूमर जो यूज करें, कंज्यूमर जो यूज करें उन्हें हम क्या बोलेंगे, कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर गुड्स. प्रोड्यूसर जो यूज करें उन्हें बोलेंगे प्रोड्यूसर गुड्स. सही बात है. लेकिन प्रोड्यूसर गुड्स को हम फर्दर दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, ऐसे जो सालों साल चलेंगे, ऐसे जो एक बार में खत्म हो जाएंगे. प्रोड्यूसर गुड्स ऐसे जो सालों साल चलेंगे, ऐसे जो एक बार में खत्म हो जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक फोटो कॉपी वाला अपनी दुकान खोली उसने, और एक मशीन लेके आया और पेजेस लेके आया. तो यहाँ पर जो क्या लेके आया, वो मटेरियल लेके आया, पेजेस लेके आया, वो तो है रॉ मटेरियल. वो किसमें आएगा, रॉ मटेरियल में आएगा. ठीक है. और जो प्रोड्यूसर गुड्स में हैवी चीज लेके आया मशीन, वो आएगा फिक्स असेट्स में आएगा, फिक्स असेट्स में आएगा. जनरली इन फिक्स असेट्स को ही हम कैपिटल गुड्स भी बोल देते हैं, कैपिटल गुड्स. अब अभी जो बुक में कंपैरिजन हो रहा है इन दोनों के बीच हो रहा है, कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स. बट याद रखना कैपिटल गुड्स अ पार्ट ऑफ प्रोड्यूसर गुड्स, जिसके अंदर एक और चीज होती है, रॉ मटेरियल. एग्जाम्पल के लिए कोई बार्बर है, उसकी जो मान लीजिए चेयर है या उसकी जो सीजर है, वो तो क्या हो गई, कैपिटल गुड्स हो गए. लेकिन जो क्रीम पाउडर उसके पास है वो क्या हो गया, उसका रॉ मटेरियल हो गया. अभी तो मैं डिजिटल बोर्ड पर पढ़ा रहा हूँ, लेकिन अगर इसी को मैं मार्कर के थ्रू पढ़ा रहा हूँ तो मार्कर खत्म हो जाएगा मेरे प्रोडक्शन में, तो वो मेरा क्या होगा, रॉ मटेरियल. और ये बोर्ड क्या हो जाएगा, मेरा कैपिटल गुड्स हो जाएगा. ठीक है. तो इस तरह से होता है. अब एक चीज पहले हम अभी जो डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं वो इसकी पढ़ने वाले हैं, किसकी, कैपिटल गुड्स की. तो कैपिटल गुड्स ऐसी चीजें होती है जो प्रोडक्शन में यूज की जाती है और लंबे समय तक चलती है, इनकी वैल्यू भी क्या होती है, जनरली हाई होती है, देखने को मिलती है. डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद ज्यादा डिटेल में समझ आएगा आपको क्या होता है. ठीक है. देखो क्या डेफिनेशन है कैपिटल गुड्स. कैपिटल गुड्स आर द गुड्स विच यूज टू प्रोड्यूस अदर गुड्स एंड सर्विस. क्या बोल रहा है, जिससे अदर गुड्स को बनाने या सर्विस बनाने में हेल्प की जाती है. जैसे कि वो बंदा फोटोकॉपी मशीन से फोटोकॉपी कर रहा है तो वो मशीन का यूज कर रहा है. एक बंदा कपड़े सिलने की कोशिश कर रहा है कपड़े को बाय मशीन, तो वो मशीन उसकी क्या हुई, कैपिटल गुड्स. दीज गुड्स आर नॉट मीट फॉर रीसेल. जनरली जो प्रोड्यूसर उसको लेता है वो रीसेल के लिए नहीं लेता है इन द मार्केट, एंड हेंस आर फाइनल इन्वेस्टमेंट और फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स ही बोलते हैं. इसलिए प्रोड्यूसर ने फाइनल इन्वेस्टमेंट होती है, उसे अपनी जरूरतों के लिए खरीदता है. एग्जाम्पल के लिए क्या लिखेंगे आप, बिल्डिंग, मशीन, ऑफिस फर्नीचर, ये एक्सेट्रा इसके क्या है, एग्जाम्पल है. इसमें और कुछ चीजें देखने को मिलती है, ये ड्यूरेबल नेचर की होती है. ड्यूरेबल नेचर का मतलब होता है ना कई सालों तक प्रयोग में लाया जा सकता है, और जनरली ऐसा भी हो सकता है ये
महंगी भी होती हैं, हमें नहीं कहूंगा हमेशा बट आप कह सकते महंगी भी होती हैं। अब उसी के साथ मैंने बताया कि पार्ट किसका है, ये पार्ट है जी प्रोड्यूसर गुड्स का। प्रोड्यूसर गुड्स क्या होते हैं, जो ऑल दोस थिंग जो प्रोडक्शन में यूज किए जाए, और मैंने अभी जैसा आपको बताया कि ये दो तरह की होती है, कैपिटल गुड्स और रॉ मटेरियल। यहां मैंने लिखा भी हुआ है, देखो जरा, प्रोड्यूसर गुड्स क्या होते हैं, रॉ मटेरियल भी आ गए इसके अंदर, और इसके अंदर क्या आ गए, फिक्स असेट्स भी आ गए। ये फिक्स असेट्स ही क्या है, कैपिटल गुड्स है। लेकिन इसी के बेस पर एक क्वेश्चन बन जाता है पेपर में, क्या ऑल द कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। समझ आ रहा है, ये चीज आपको समझने वाली बात है। तो यहां पर ऑल द कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल द प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स, ये डेफिनेशन में किसकी वजह से क्रिएट हो रही है, ये क्रिएट हो रही है रॉ मटेरियल की वजह से। क्यों, क्योंकि रॉ मटेरियल एक प्रोड्यूसर गुड्स है। क्या कह रहा हूं, रॉ मटेरियल एक प्रोड्यूसर गुड्स है, लेकिन रॉ मटेरियल कैपिटल गुड्स नहीं है। तो इसी वजह से ऑल द कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल द प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स, ये याद रखना है, लाइन इंपॉर्टेंट जोर दे रहा हूं तो उसमें इंपॉर्टेंट होगा। और यहीं पर आपको ये डिफरेंस भी याद करना है जो कि यहाँ पे और यहाँ पर दिया हुआ है, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स के बीच। इसी के अलावा एक चीज और आपको पता होनी चाहिए, जो डिफरेंस को स्क्रीनशॉट ले लो और पढ़ लेना। नाउ गुड्स फॉर कंजम्पशन एंड गुड्स फॉर एक्सचेंज, ये कैसे होगा, तो यहां पर मैं बता दूं, गुड्स फॉर कंजम्पशन और गुड्स फॉर एक्सचेंज का मतलब क्या है, मार्केट में जितना भी गुड्स बना के हम बेचने के लिए यूज करते हैं उन्हें बोलते हैं गुड्स फॉर एक्सचेंज बोलते हैं, ठीक है। तो गुड्स प्रोड्यूस बाय द प्रोड्यूसर एंड रिटेन फॉर द ओन यूज, अगर वो अपने लिए यूज करेगा तो उसे बोलेंगे सेल्फ कंजम्पशन। ध्यान रखना नेशनल इनकम में इसको भी जोड़ा जाता है। क्या कह रहा हूं दोबारा सुनना, अगर तुम बर्गर बेचते हो, तुमने बर्गर बनाते वक्त 10 बर्गर बनाए, 9 बेच दिए, एक अपने घर के लिए रख लिया कि मैं घर पे अपने बच्चों को या अपने फ्रेंड्स को अपने दोस्त को मम्मी को पापा को किसी को दे दूंगा, तो गुड्स आपका क्या कहलाएगा, नेशनल इनकम में काउंट होगा, सेल्फ कंजम्पशन के लिए है बट काउंट होगा। और जो तुमने मार्केट में बेच रहे हो उसे बोलेंगे गुड्स फॉर एक्सचेंज। गुड्स विच आर सोल्ड फॉर प्राइस बाय देयर प्रोड्यूसर आर कॉल्ड गुड्स फॉर एक्सचेंज, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आ जाता है जो कि यहाँ पे नहीं दिया बट मैं तब भी आपसे पूछता हूँ और बताता हूं उसका आंसर भी क्या हो सकता है। क्या एक ही गुड्स, सिंगल गुड्स, कंज्यूमर और कैपिटल दोनों हो सकता है, क्या एक ही गुड्स, सेम गुड्स, सेम गुड्स कैन बी अ कंज्यूमर और कैपिटल गुड्स, तो इज इट, यस ऐसा है। एग्जांपल ये ले लीजिए कि वॉशिंग मशीन, कपड़े धोने वाली मशीन, ये एक मशीन है, इस मशीन का यूज अगर घर वाले अपने कपड़े धोने के लिए कर रहे हैं तब तो वो कंज्यूमर गुड्स है। लेकिन अगर उसी मशीन का यूज मान लो लॉन्ड्री की शॉप खोलने के लिए करते हैं और दूसरों के कपड़े धोते हैं तो इस केस में वो क्या है, कैपिटल गुड्स है। कपड़े सिलने वाली मशीन ले लो, अगर उससे तुम अपने कपड़े सिल रहे हो तो वो क्या है, कंज्यूमर गुड्स है। लेकिन यदि हम दूसरों कपड़े सिल रहे हैं उससे पैसा कमा रहे हैं तो वो कैपिटल गुड्स है। तो यस ऐसा भी पॉसिबल है, एक ही गुड्स कंज्यूमर और कैपिटल गुड्स हो सकते हैं बट ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उसका यूज कहां हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अगला टॉपिक समझने के लिए। तो अगला टॉपिक जो हमारा बेटा यहाँ पर है वो है क्या, इन्वेस्टमेंट। लेकिन इन्वेस्टमेंट वाले टॉपिक को मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। इसके साथ ही अगर आपको नोट्स चाहिए वाले तो डिस्क्रिप्शन में आप इस नोट्स को बाय कर सकते हैं और बाय करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां पे आप जाके चेक कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू टाटा, बाय बाय।